नमस्कार, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे एक्सप्लोर ड्रीम्स विद यू। आज मैं हूँ जयपुर के अंदर आमिर फोर्ट में। आज हम कवर कर रहे हैं मानसिंह पैलेस आमिर फोर्ट, जो कि बहुत फेमस है। जितने भी आज फोर्ट्स हैं हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग आमिर फोर्ट कवर कर रहे हैं। आमिर फोर्ट जो 967 शताब्दी में बना था, ये 1100 साल पुराना ये महल है। इसको जो बनाया था वो थे मिस्टर अलान सिंह मीना जी ने, इसको 967 में बनाया था। और बाद में इसको 1500 शताब्दी में मानसिंह जी ने बनाया, और जय सिंह जी जो राजा थे उन्होंने इसको डेवलप किया बहुत ही विशाल रूप में। हम लोगों ने अभी अंदर जाएंगे और पूरा फोर्ट घूमेंगे। फोर्ट के अंदर दीवाने खास देखेंगे, दीवाने आम देखेंगे, मंदिर बना हुआ मंदिर देखेंगे। और मेरे साथ हैं सौरभ जी, मनोज जीजा जी। हम लोग पूरा आमिर फोर्ट कवर कर रहे हैं। ये देखिए पीछे की तरफ ये एंट्री है यहाँ की। अभी हम लोग यहाँ पे हमारे खान साहब मिस्टर गाइड जो हैं वो आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। उनके साथ पूरा फोर्ट देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। नमस्ते जी। नमस्कार जी, वेलकम है आपको यहाँ पे। थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि क्या है आमिर? देखिए आमिर का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, और इसमें आपको मालूम चलता है कि मीणाओं का जो गढ़ हुआ करता था, ये मीणाओं का गढ़। ओके, कूथलगढ़ के नाम से जाना जाता था। फिर यहाँ पे कच्छा वंश आया। कच्छा वंश आने के बाद में फिर ये राजपूत सूर्यवंशी थे, सक्रिय हुए। तो यहाँ पे इन लोगों ने महल बनाए, किले बनाए, तालाब बनाए, मंदिर बनाए, और बहुत से ऐतिहासिक स्थल इनकी जो है वो नींव रखी। तो अभी आप आमेर में हैं, और आमेर से पहले प्लीज़ इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत पे देखिए आप एक वॉल बनी हुई है, और ये वॉल चारों तरफ से सुरक्षा कवच के रूप में बनाई गई। क्यों बनाई गई? दुश्मनों से बचने के लिए, क्योंकि महल किले जहाँ बनते हैं वहाँ एनिमीज का भी डर रहता है कि वो अटैक कब कर दें। तो उसके हिसाब से ये वॉल बनाई गई, प्रोटेक्शन वॉल। देखिए गूगल पे पढ़ लिया, और हिस्ट्री एक रटी रटाई होती है, उसका मजा नहीं। बाकी जो यूनिक तरीके से जो बताया जाए सब वो कि जो किसी को ना पता हो वो नहीं सीक्रेट होगा। बिल्कुल। दो टिकट दे दीजिए। कितने की टिकट है? 100 रुपये की एक। 100 रुपये की एक टिकट है। तो आपको कहा जाएगा जय माता दी सर। जय माता दी। ओके, आप इस समय हैं वेस्ट की ओर, और महल के पिछवाड़े की तरफ। तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा किला ऊपर की ओर, और इस किले को जयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसकी नींव रखी गई थी काकेल देव के द्वारा 1036। ओके, और इसका नाम था पहले चीलों का टीला। उसके बाद इसको बड़ा स्वरूप दिया जय सिंह सेकंड ने, तब जाके इसका नाम पड़ा जयगढ़ फोर्ट। इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है सबसे बिगेस्ट तोप, जो जय बाण के नाम से जानी जाती है। यहाँ फ्लैग दिखाई दे रहा है आप लोगों को जी, उस फ्लैग के वहाँ पे है वो। और ये किला स्पेशली जो किंग्स होते थे उनके सोल्जर्स वहाँ पे रहते थे, सैनिक छावनी। मंत्रगंडा वहीं पे होती थी, और उसी से कनेक्टेड वॉल देख रहे हैं आप लोग, जो आपको एक लुक्स लाइक चाइना वॉल की तरह दिखाई देगी। हाँ, ये पूरी वॉल है। राइट। तो इसी के लिए मैंने बताया था आपको कि प्रोटेक्शन वॉल कहलाती है, सुरक्षा कवच। और ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र पे है। दुनिया की हम कह सकते हैं थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल, फर्स्ट चाइना, यस, सेकंड कुंभलगढ़ इन उदयपुर। तो आपको बता दें कि आम्बेर, माँ अम्बे के नाम से नाम रखा गया आम्बेर। और कच्छा वंश यहाँ पे जो रहे। नीचे एक बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, बहुत पुरानी सी, जिसको महल का स्वरूप दिया गया। और ये स्पेशली काकेल देव ने इसकी नींव रखी थी। और काकेल देव के बाद सोड़देव, पृथ्वीराज, भारमल, भगवान दास और मानसिंह फर्स्ट वो वहीं पे पैदा हुए। जोधाबाई कहते हैं कि इतिहास के अकॉर्डिंग उसका नाम कोई जोधा नहीं था। मुगल साम्राज्य से इनके कुछ खास ताल्लुकात थे। तो मुगल सम्राट अकबर के साथ संपर्क हुआ,
हिंदू राजपूत राजाओं का और विवाह यानी एक संबंध भी बने जिसमें विवाह हुआ था जोधा का, जिसका जोधा नाम नहीं था, हरकूबाई, हरकूबाई के नाम से जाने जाते, तो उनसे विवाह हुआ। विवाह कहाँ हुआ? यहाँ पे एक सांबर झील है, नमक की मंडी है बहुत बड़ी, वहाँ पे जो एक महल बना हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे पैदा हुई थी, यहाँ पे पैदा हुई बिल्कुल इस बिल्डिंग में जोधा भाई। तो उनको जब विवाह हुआ था तो साथ ले गए थे अकबर अपने साथ आगरा। आगरा मानसिंह बहुत ही बलवान और निडर और विद्वान था, और उनका उल्लेख ये बताया जाता है कि वो बहुत ही पावरफुल राजा था। तो उनके जो ताकतवर राजा के हिसाब से होते हुए उनको खिताब दिया गया महाराजा का, और मनसबदार बनाया गया उन्हें, राइट, मनसबदार बनाया गया। और आपको पता है एक परंपरा हुआ करती थी कि मुग़लों के साथ जब इनका तालमेल था तो मुग़ल जो सम्राट होते थे बादशाह वो इनको ताज पहनाते थे। तो ताज का खिताब सबसे पहले किसको शुरू हुआ? मानसिंह को। मानसिंह को मिला टाइटल सिंह का, और सिंह के मायने बहादुरी से, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, राइट। तो ये प्रारूप देख रहे हैं आप लोग, और कहते हैं कि काशी के बाद अगर जो मंदिरों की अगर जो देखते हैं आप लोग तुलना की जाए तो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आमेर में काफ़ी मंदिर होते हैं, और इसमें देखा जाए तो 365 मंदिर के लगभग बताते हैं कि 365 मंदिर होते हैं। या आप ये टोपी देते हैं कि कैसे देते हैं क्या? इसका हम लगा के देते, कोई 10 देता, कोई 5 देता, कोई नहीं भी देता है तो लगा देते हम, तो कोई 20 भी दे जाए, कोई इच्छा के अनुसार है, नहीं दे तो भी उसको वेलकम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तब भी वेलकम करते हैं। ये राजस्थान की पहचान है। क्या नाम है आपका? शंभू दयाल मीना। चलिए धन्यवाद जी। ठीक है सर, आपका धन्यवाद जी, शुक्रिया सर आपका। काली का मंदिर है, और महाराजा मानसिंह फर्स्ट जो थे वो काली की प्रतिमा लेके आए थे बांग्लादेश, जो भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जब युद्ध के लिए गए थे तो वहाँ के राजा केदारनाथ उनसे उन वहाँ पे फाइट करने के लिए गए थे। उनके साथ जब उन्होंने देखा कि जैसे ही धरती पे पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने जो है काली की उपासना की। अच्छा, ये तो इस बात को वो देख रहे थे राजा केदारनाथ, भली बाती वो समझ रहे थे कि काली की उपासना बहुत बड़ी, तो इसका जो बहुत बड़ा असर पड़ा था केदारनाथ। फोटोग्राफ लिया यहाँ पे, और हालांकि फाइट के लिए गए हुए थे वहाँ पे युद्ध के लिए, बट वो काली की जैसे उपासना की तो वो प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए, फाइट हुई, बट इतने इम्प्रेस हुए कि अपनी बेटी का विवाह राजा केदारनाथ ने मानसिंह फर्स्ट के साथ किया, जिनका नाम था कनकावती। ओके, कनकावती। तो ये विराजमान है, और यहाँ पे नवरात्रों का मेला बड़ी खूब धूमधाम से लगता है। यहाँ आपने एक चीज़ बताई, डेली यहाँ एक बकरा, एक बकरे की बलि चढ़ाई जाती है यहाँ पे डेली, विस्की स्पेशली विस्की भी चढ़ाई जाती है, प्रसाद में भी मिलती है स्पेशली, और आमेर की गूंजी मावे का पेड़ा जिसको कहते हैं वो भी चढ़ाई जाती है। वो आप अपने घर जरूर लेके जाएं जी, और आमेर की गूंजी जरूर लेके जाएं अपने घर। विशाल दरवाजे से प्रवेश करेंगे जिसको सिंह पोल के नाम से जाना जाता है, लॉइन गेट, इसको इस दरवाजे को लॉइन गेट, सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ पावर। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस ग्राउंड को देखें तो ईस्ट और वेस्ट की ओर दो दरवाजे हैं जिनको सूर्य द्वार और चंद्र द्वार कहा गया, सन गेट एंड मून गेट। और ग्राउंड फ्लोर पर देखें तो परेड स्थल के रूप में जाना जाता है ये, और सैनिकों की परेड होती थी, और राजा रानी उस समय इन दो स्पोर्ट पे बैठते थे। अब हम महल के लिए प्रवेश कर रहे हैं अंदर, अंदर की ओर, मतलब अब हम फोर्ट के अंदर आए हैं, फोर्ट के अंदर पहुंच रहे हैं हम लोग, पहुंच चुके हैं। ओके, इस फोर्ट को हम देखते हैं तो ये कोई अजूबे से कम नहीं है, ये और बता दें हम आपको, बहुत ब्यूटीफुल फोर्ट लग रहा है, तो काफ़ी विशाल भी है ये, विशाल भी है। जैसा कि युवराज जी आपको बताया गया था कि महल की नींव महाराजा मानसिंह ने जरूर रखी थी, लेकिन इसमें जो काम था वो टोटल मिर्जा जयसिंह का था, और उन्होंने बहुत ही अपने एक
बहुत ही सृष्टि अच्छी जो इस तरह से जो इसको बनाया सिस्टमेटिक ढंग से कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही गुड लुकिंग दिखाई देता है ये। सबसे पहले आप बिल्डिंग की ओर ध्यान देंगे, इस बिल्डिंग को देखें तो एक खास बिल्डिंग जो बनाई गई बैलेंसिंग के साथ, जो जहाँ पे दीवारें दिखाई नहीं दे रही होंगी आपको, सिर्फ पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई, और ये लगभग ये एग्जैक्ट 48 पिलर्स पे खड़ी हुई है, ये टोटल जो पिलर 48 पिलर्स पे खड़ी हुई है। एक्चुअली यहाँ पे जनता दरबार लगता था, अच्छा अच्छा, राजा के समय जनता दरबार लगता था, और स्पेशली राजा बीचों बीच बैठते थे सिंहासन लगा के, और मंत्री शंत्री होते थे, और पब्लिक को ग्राउंड फ्लोर पे बिठाया जाता था। स्पेशली ये दीवाने आम बोल, दीवाने आम कहा जाता है, दीवाने आम है, और पब्लिक की प्रॉब्लम्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते थे, जैसे कि दीपोत्सव, होली उत्सव, तो उसमें भी यहाँ पे नाच गाने और इनामात दी जाती थी। इसलिए रानियों का ख्याल रखा जाता था, रॉयल लेडीज़ का, वो बाहर नहीं आती थी, इस दीवाने आम में नहीं आती थी, इसलिए उनके लिए ख़ास जगह जो है चुनी गई थी। वो आप देखेंगे एक खूबसूरत दरवाजे के ऊपर जो जहाँ जालियाँ लगी हुई हैं, स्क्रीन, तो वहाँ उसके पीछे बैठने का सिस्टम है, रानियों का खड़ा होने का सिस्टम है, तो वहाँ से वो जो है रानियाँ इस प्रोग्राम को देखा करती थी। इस दरवाजे को आप जब देखेंगे तो आपको ताजमहल के अंदर जब जाते हैं तो मेन डोर की याद आएगी। हाँ बिल्कुल, ताजमहल के मेन डोर की तरह लग रहा है, मेन डोर की तरह लग रहा है, रॉयल गेट की तरह, रॉयल गेट। तो कहते हैं कि जब ताजमहल की नींव रखी गई तो उससे पहले ये तैयार हो रहा था। अच्छा, तो इसकी कॉपी वहाँ पे की गई, इसकी कॉपी ताजमहल में की गई, और कहते हैं कि इसको डिज़ाइनफुल जो किया गया वो नेचुरल कलर्स के साथ, नेचुरल कलर्स के साथ, तो गुड लुकिंग देख सकते हैं आप लोग। हाँ, जैसे ही मीटिंग एंड होती थी तो राजा मोस्टली जब आराम करने के लिए जाते थे इस डोर से, सामने डोर से, इस डोर को नाम दिया गया गणेश पोल। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पोल मीन्स शो किया गया है डोर्स को, जैसा कि नीचे के जलेब चौक में आपने देखा सूरज पोल ईस्ट की ओर, चांद पोल, सिंह पोल, गणेश पोल। ओके, गणेश जी विराजमान है। तो जैसे ही राजा प्रवेश करते थे अंदर, ऊपर देख रहे हैं विंडो, उस विंडो से रानी साहिबा फ्लावर्स लेती थी और किंग के लिए निछावर करती थी फ्लावर्स के, उनके वेलकम के लिए। तो चलेंगे हम इसके अंदर ही चलेंगे हम लोग, पहले हम इधर जाएंगे, इससे पहले कि हम लोग शीश महल गणेश पोल से होके चलें, आइए दिखाते हैं खास व्यू 27 कचहरी की ओर से। इस जगह को 27 कचहरी कहा जाता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 27 ब्लॉक बने हुए हैं। अच्छा, ये 27 ब्लॉक्स हैं, 3 = 9, 3 = 9। ओके, तो इसका मतलब ये था कि जागीरदारी प्रथा और महालेखा अधिकारी तो यहाँ पे जमा होते थे जागीरदारों के साथ, और उनका जो भी जो टैक्स होते थे, लगान होती थी उन चीज़ों के। 27 कचहरी से अब हम देखते हैं कि व्यू, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा व्यू आपको देखने को मिलेगा, गुड लुकिंग व्यू। और सामने देखेंगे आप लोग एक आर्टिफिशियल लेक बना हुआ, और स्पेशली लेक के बीच में एक बाग बना हुआ, और इस बाग को आज भी सभी के दिलो दिमाग में छाया हुआ ये बाग है, क्योंकि इस बाग का नाम शुरू से जो रखा गया था केसर बाग, उस केसर बाग के नाम से ही जाना जाता है। इस जगह को दीवाने खास के नाम से जाना जाता है, और यहाँ आलतू फालतू लोगों की एंट्री नहीं हुआ करती थी, शाही मेहमान या फिर किंग्स फैमिली। हेवन को एक धरती पे उतारते थे, किस तरह से कि धार्मिक उपदेशों से आपको मालूम चलता है कि स्वर्ग ऐसा होता है, स्वर्ग ऐसा होता है, तो जन्नत के टाइप में आपको दिखाई देगा, आप एहसास भी करेंगे इसको। मैं आप लोग हीरे जवाहरात कल्पना की जाती है, हीरे जवाहरात सोने चांदी, नाम से ही डिफरेंशिएट कर दिया ना, दीवाने आम लोगों के लिए। ओके, दीवाने खास खास लोगों। तो एक खूबसूरत महल, और महल के बीच में एक बाग जो आप देख रहे हैं, शाही बाग, मुगल गार्डन,
फ्रंट में पांच दरवाजे देख रहे हैं, बीच वाला दरवाजा देख रहे हैं आप लोग जहाँ जंजीरें लगी हुई है, हाँ जी, अंदर से डीपली वहाँ से पानी एक झंडे की तरह चल के आता था, और उस पानी में अगर महक घुली हो तो पानी के टैंक में खुशबू डाली जाती थी, और वो पानी जब चलता था निकलता था हवा से जो सब तरफ महक उठती थी। तो हम एहसास कर सकते हैं, एहसास दिला सकते हैं कि ये एक स्वर्ग रूपी महल रहा होगा, जन्नत जन्नत। ये शीश महल में है आप अभी, और इस शीश महल को आप देखें तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्लास पैलेस। और इस ग्लास पैलेस की पहचान क्या है, टोटल मिरर्स के साथ डिज़ाइन किया हुआ, और मिरर्स को भी इस हिसाब से डिज़ाइन किया है, इस हिसाब से लगाया गया कि उभरता हुआ मीन्स कॉन्वेक्स शेप। क्यों, उस ज़माने में लाइटिंग नहीं होती थी, लाइटिंग नहीं होने के बिना पे मोमबत्तियाँ यूज़ लेते थे, और मोमबत्तियों को जब फायर करते थे जगह जगह तो ऐसा लगता था जैसे चांदनी जो है हो रही हो और रोशन हो रहा हो ये महल। एग्जिट की ओर हम निकास कर रहे हैं, अच्छा निकास ही हो रहा है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि राजे महाराजे रहते थे, उनका स्टाफ भी जरूरी था, तो उनकी स्टाफ रहते थे, उनकी स्टाफ रहते थे। देखिए अभी हम मानसिंह पैलेस से बाहर निकले हैं एग्जिट गेट पे, तो कॉफ़ी कैफे डे के जस्ट बगल में ही यहाँ पे इनकी एक शॉप है जिसमें काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स मिलते हैं, 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक में आपको परफ्यूम मिलेंगे, 500-600 साल पुराना जो मानसिंह थे उस टाइम से जो वो लगाते थे वही परफ्यूम्स आपको यहाँ मिलेंगे। आप जब भी आएँ तो इस शॉप पर ज़रूर आएँ, मैं तो एक परफ्यूम लेके जा ही रहा हूँ। मोर देन 50 50 से ज़्यादा फ्रेगनेंस के परफ्यूम हैं इनके पास। शुभ नाम सर? मुजीबुर रहमान। आपका? इरशाद। धन्यवाद इरशाद जी, धन्यवाद रहमान जी। महल के बाहर की ओर चलेंगे, बट वहाँ पे हम देखेंगे कि एक सुरंग भी बनाई हुई है, तो सुरंग महल के अंदर ही है वो, और सुरंग का जो इस्तेमाल होता था इमरजेंसी के लिए, स्पेशली वो महल से जयगढ़ फोर्ट तक के लिए ब्लॉन्ग बनी हुई है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास। 2.5 किलोमीटर, हाँ जी। सुरंग का रास्ता देखिए यहाँ से होता है, क्लोज्ड है, और इसको 2020 से जो क्लोज किया हुआ है क्योंकि कोविड जब से शुरू हुआ है। और ये कड़ावे देख रहे हैं आप लोग, ये जोधा अकबर मूवी के लिए स्पेशली लाए गए थे मूवी मेकर, और इनमें वो खाना बनाने का सीन जो दिया गया था सीन। ये देखिए अभी हम एग्ज़िट कर रहे हैं आमिर फोर्ट से, और आमिर फोर्ट से एग्ज़िट करने के बाद काफ़ी गर्मी है यहाँ, तो हम लोग अभी नींबू पानी पी रहे हैं। नींबू पानी पी सकते हैं आप बिल्कुल मेन, जब आप एंट्री करते हैं एंट्रेंस में ये नींबू पानी देते हैं माता जी, 15 रुपये का एक गिलास है इनका नींबू पानी। क्या नाम है आपका माता जी? विमला नाम है इनका, जब भी आए विमला जी से मिले और नींबू पानी कर लीजिए। ये है नींबू पानी इनका, बहुत बढ़िया मज़ेदार, अल्टीमेट है, जरूर भी। हाथी है जो कि अगर किसी को हाथी से जाना हो तो 1100 रुपये चार्जेस है, अगर यार टैक्सी भी मिलती है, अगर किसी को टैक्सी से जाना हो तो 400 रुपये है। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वॉक करते हुए पैदल ही जाइए, सब 5 मिनट का रास्ता है, काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन स्पेशली किसी को आनंद लेना हो हाथी में बैठने का तो हाथी में बैठिए, 1100 रुपये चार्जेस है बिल्कुल एंट्री गेट। हाँ हम लोग एग्जिट गेट पे आ चुके हैं अब आमिर फोर्ट के। हम लोगों ने आमिर फोर्ट में मानसिंह पैलेस देखा, यहाँ का टेंपल देखा, भैरव मंदिर देखा, शीश महल देखा, दीवाने खास देखा, दीवाने आम देखा, हमने हमाम देखा कि गर्म पानी कैसे करते थे यहाँ पे राजा लोग, तो बहुत अच्छा विशाल फोर्ट है आमिर फोर्ट, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूम के। हमारे गाइड साहब ने काफ़ी अच्छे से हमें गाइड किया। बस मेरा यही कहना है आप सब लोगों से कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।